डब्बा है, हम कहेंगे वंदे भारत ने। तो अभी जलंधर आ गया, पर आई डोंट थिंक तो जलंधर में रुकती होगी। अभी तो सीधा आई जम्मू में रुकने वाले हैं। अभी एकदम खाली हो गई है। और ये देखिए पंजाब के हरे भरे गन्ने के खेत, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इतना सुंदर व्यू आ रहा है, नदी भी है और बड़े बड़े स्टोन्स है। आई डोंट नो कौन सी लोकेशन होगी ये, बट बहुत प्यारा लग रहा है व्यू देखिए। अब जो ट्रेन का जो स्पीड है ना, वो थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि अब शायद पहाड़ थोड़ा शुरू हो जाएगा। तोड़ मोड़ भी तो स्पीड में थोड़ा सा दिख रहा है कि अब काफ़ी स्लो हो गई है, नहीं तो अभी तो अच्छी खास मस्त मस्त चल रही थी। टोमेटो सूप कुछ इस तरीके से आता है, नॉर का सूप आएगा और आई गेस पानी में घोल कर उसको कुछ, हाँ तो उसमें इस तरीके से बॉइलिंग हॉट वाटर डाल देते हैं। हमारा जो है सूप रेडी हो गया है, अभी डना ला रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया है। लंच आ गया, देखिए
प्रॉपर हाइजीन के साथ, आप देख रहे हो ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं। लंच में जो सर्व किया आपने वो पनीर की सब्जी है, राइस है, दाल है, पराठा है, सूखी सब्जी है, अचार भी है और सीजनिंग के लिए नमक वगैरह भी है, सैनिटाइजर भी है और दही भी है। फुल ऑन फुल पैकेज है लंच का एंड गर्म भी है सबसे बड़ी बात। तो अभी बस खाते हैं, नीर में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। लंच तो मज़ेदार है जो आप देख रहे हो, साथ में जो इतने सुंदर सुंदर व्यूज है ना सीनरी के लिए उसके साथ खाना खाते हैं। अभी बड़ा बड़ा क्या कह रही हो तुम? तुम नहीं देख रही हो? बस अभी निकल रहे हैं बाहर क्योंकि सब लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं फाइनली। बट हाँ, लोग जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं। जय माता दी ये वेरी हैवी है बेटा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कटरा के रेलवे स्टेशन पे, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। हमने वीडियोस में ही देखा था पर आज प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत लाइक साफ सुथरा है। ये देखिए पूरा, और ऊपर तो माता के दर्शन वहाँ पर दूर से ही दिख रहे हैं, पूरे बादल आ रहे हैं। और ये वंदे भारत हमारी ट्रेन, यात्री यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जर्नी स्टार्ट हो जाएगी ना यहाँ से।
जैसा कि मैंने बताया था कि हमें पहले यहाँ से कहीं और जाना है, हमारे रिलेटिव के यहाँ पर, फिर उनके साथ हम लोग यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो बस अब वेट कर रहे हैं, वो पिक करने के लिए आएंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता आवाज़ कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये भी रेलवे स्टेशन ही है और वहाँ पर माता का दरबार है जहाँ जाने। बिल्कुल टाइम पर निकली, टाइम पर पहुँची। अगर आपको कभी भी दर्शन करने आना है या वहाँ जाऊँ तो बेझिझक वंदे भारत को लीजिए, बहुत ही कंफर्टेबल है, खाना भी अच्छा है और व्यूज़ एंजॉय कीजिए। सफ़र का बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने इजी वे में कभी माता के दर्शन करने के लिए आना का मौका मिलेगा। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। जय माता दी। अनाउंसमेंट होती रहती है तो किसी को दिक्कत भी नहीं। देखिए बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर हिंदी में और भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यहाँ से एग्जिट होगी। यहाँ देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, सब लोग दर्शन करने ही आए हुए। वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और भोजनालय आई गेस उधर है, पर हमें बाहर जाना है यहाँ से अभी, और बैगेज की चेकिंग होगी अभी। गर्मी तो यहाँ पर भी, और पीछे देख रहे हो माता रानी का दरबार, ऊपर बादल भी हो रहे हैं। यहाँ पर ऑटोज, रिक्शा, टैक्सीज सब की फैसिलिटीज है, इजीली मिल जा रहा है। ये शिदी है हमारी, तनुश्री इनका नाम है, इनकी प्यारी प्यारी सी बच्ची है मिली ईवी। इसको तो मैं अच्छे से हगी करूंगी, इनसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं। बिलांगना, अरे ये किस, आफ्टर लॉन्ग टाइम है। हां जी, 4 साल। देखा जी वैसे बहुत फ्रेश लग रहे हैं, जम्मू का रास्ता, वेदर इतना अच्छा लग रहा था सच में। ये देखो इतनी स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वाह स्ट्रॉन्ग गर्ल। फाइनली 4 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो दीदी से तो आप मिल ही लिए हैं, बच्चों से भी, जीजा जी शाम को आएंगे तो बैटरी डाउन होने वाली है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में सबसे मिलवाएंगे और होपफुली यात्रा भी हो सकती है, तो अगले ब्लॉग को मिस मत कीजिएगा। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, ओके ओके ऐसे कर दो, बाय बाय, ओके मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, और यात्रा के लिए बने रहिए, बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग। जी जय माता दी।